आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय सिवनी में यातायात पुलिस कितनी मुस्तैद है, इसकी एक वानगी हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये जो वाहन आप देख रहे हैं, ये वाहन यातायात पुलिस का मूलतः नहीं है, ये इंटरसेप्टर वाहन है। यातायात पुलिस की अलग वाहन होने के बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ चौराहे, ये एक चौराहे का नज़ारा दिखा रहे हैं। बाहुबली चौराहा शहर का सबसे व्यस्ततम चौराहा, जहाँ पर रोगी कल्याण समिति की दुकानों के सामने पार्किंग बिल्कुल नहीं है। एक बार हम दिखाते हैं आपको, यहाँ यातायात जब चाहे तब जाम लग जाता है और एम्बुलेंस इन जाम में अक्सर फंस जाया करती है। ये सिवनी का घोषित राजपथ भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये कलेक्टर बंगले से को एसपी बंगले से जोड़ता है और जिला चिकित्सालय सिवनी के बिल्कुल बाजू से जा रहा है। सामने जो आप ये कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, रोगी कल्याण समिति का कॉम्प्लेक्स है। रोगी कल्याण समिति के कॉम्प्लेक्स में पार्किंग नहीं होने के कारण स्मृति धर्मशाला कॉम्प्लेक्स सामने है, वहाँ पार्किंग लोग आके वाहन खड़े करते हैं। और सड़क पर किस तरह जाम लगता है, इसकी एक वानगी हम आपको दिखा रहे हैं। आए दिन यहाँ जाम लगते हैं और यहाँ से जब बारातें निकला करती हैं तो कान फाड़ू शोर होता है, और ये शोर मरीजों के आराम में निश्चित तौर पर खलल पहुँचाता ही होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दरअसल यातायात पुलिस को चाहिए कि नगरपालिका स्थानीय नागरिकों के साथ बैठकर पार्किंग की समस्या को सबसे पहले हल किया जाए। सिवनी शहर में व्यवस्थित पार्किंग नहीं होने के चलते इस तरीके की स्थितियां बनती हैं। देखिए, यहां पर पुलिस का वाहन गुजरता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, सड़क पर वाहन खड़े आपको आसानी से दिख जाएंगे। देखिए, सड़क पर वाहनों की रेलम्पेल, यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक या जिला कलेक्टर चाहें तो सीसीटीवी फुटेज देखकर वे शाम को अंदाज लगा सकते हैं कि किस कितना यहां पर ट्रैफिक जाम होता होगा। दरअसल एक ये जो हमने आपको वाहन दिखाया, ये वाहन शाम को 3-4 बजे इस क्षेत्र से होकर गुजरता है और उसके बाद लगातार यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है। यहाँ एक भी यातायात पुलिस का पॉइंट भी नहीं है जो यातायात को व्यवस्थित कर सके। ये देखिए, आपको यहाँ हम दिखा रहे हैं, इंटरसेप्टर वाहन जा रहा है। ये वाहन जा रहा है पुराने आरटीओ की तरफ। पूरा बाहुबली चौक पर जाम लग जाता है। ये देखिए, एमपीबी का बिजली कंपनी का वाहन भी जा रहा है और एक वाहन वहाँ से चला रहा है, उस सड़क पर दीगर वाहन खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। शहर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके साथ ही चौक चौराहों पर जो पॉइंट ड्यूटी हुआ करती थी यातायात पुलिस की, वो पूरी तरह समाप्त हो गई है। पूरी तरह से यातायात पुलिस की पॉइंट ड्यूटी, कोई भी चौक चौराहे पर आपको यातायात को संचालित करता हुआ एक भी यातायात पुलिस का सिपाही दिखाई नहीं देगा। लगभग एक दशक से ये स्थिति है। बीच में अवध किशोर पांडे जब जिला पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे, तो उनके जिला पुलिस अधीक्षक रहते हुए सिवनी में कुछ जगह फिक्स पॉइंट ड्यूटी लगती थी। ये देखिए, एक सरकारी वाहन यहाँ पर आपको आकर खड़ा हो दिख रहा होगा, जो सड़क के किनारे खड़ा हो गया। सामने ट्रैफिक सिग्नल भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, पर ये सारे ट्रैफिक सिग्नल, इनकी संस्थापना जब से हुई है 2013 के लगभग, तब से अभी तक 12 सालों से ये टूट के मानिंद खड़े हुए हैं। एम्बुलेंस आपके सामने जाती हुई दिख रही है और एम्बुलेंस जब चाहे तब यहाँ के जाम में फंस जाया करती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देखिए, यहाँ पर एक बार फिर जाम लगा हुआ आपको दिख रहा होगा, वाहन यहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं। दुकानदारों से पार्किंग को लेकर लोग आते हैं, वाहन खड़े करते हैं और हुज्जत करते नज़र आते हैं।
विधायक दिनेश राय इसी सड़क पर रहते हैं, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन इसी सड़क पर रहते हैं, सांसद विधायक को भी इस बात की परवाह नहीं है। कांग्रेस शासित नगरपालिका परिषद है, नगरपालिका परिषद के पास निर्माण कार्यों के अलावा दीगर कामों के लिए उनके पास समय नहीं है। यहाँ यातायात सिग्नल क्यों चालू नहीं हुए? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यातायात सिग्नल संस्थापित किए गए थे, कांग्रेस अगर आई है, ये देखिए सामने आपको दिख रहे होंगे बंद पड़े हुए। कांग्रेस सत्ता में है तो कांग्रेस को चाहिए कि उसकी जांच कराए कि आखिर लगभग 10-12 सालों से ये बंद क्यों है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको खबरें पसंद आ रही हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।